देखिए, चलिए, नमस्कार। नमस्कार। ये संकोशालन में सबसे पहले देखिए, आप देखकर ये पानी है 1 लीटर, सॉरी 2 लीटर, ये भगोने में हम पानी रखे हैं। और इतना हमने करीब करीब जो शुरू में होता है ना, इतना पी लेते हैं। आवाज, हाँ आवाज थोड़ी गड़बड़। आवाज ठीक है? हाँ अब भी सही आ गए, पहले बीच में गड़बड़ हो गई थी। मिनट, ये पानी है, नींबू है, नमक है। हाँ ये देखिए आपका, ये है हमारे पास नींबू। हमने 4 नींबू रखा है, और ये जी नींबू को निचोड़ने वाला ये हमारा नींबू दिया है, ठीक है। फिर ये पन्ना है, चाकू है, कटोरी है, और गर्म पानी ये भी है, और ठंडा पानी भी है, कि जैसे करके जी मिक्स करके हम बनाते हैं, ठीक है। अब ओके, अब एक और दूसरा वीर, एक दूसरा सादा पतीला देना। वो मिक्स करने के लिए गर्म पानी तो दिया, अब इसमें गर्म पानी में किसी भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये भी जग है, जग में भी सादा पानी है, तो मिक्स करना है। तो सबसे पहला क्या है नियम, कि नींबू लीजिए, ठीक है, और जी नींबू को चाकू उठाइए। काटना कैसे है देखिए, ये जो नींबू है, नींबू को सीधे ऐसे नहीं काटते। हम लोग आमतौर पर क्या करते हैं कि नींबू को सीधे लेते हैं। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है, बोलिए। तो नींबू को सीधे लेते हैं और ऐसे काट देते हैं। नींबू को पहले तो नमक लेना, नमक नमक का डिब्बा लो। नमक सबसे पहले डालना है, ठीक है। और ये नींबू ऐसे काट देते, ये ऐसे एक छिलका का एक कट दिया, फिर गोल घुमा दिया, है ना, गोल बीच बीच गोल में गोल सुनो, गोल, जैसे ये नींबू है, काट लिए, दो साइड काट दो जाते, दोनों पोल को बीच में दो पकड़ लिए, हाँ दोनों छोर को पकड़ के बीच में से काट देना। बीच में काट रहे हैं, गोल गोल कर, गोल हाँ, ये गोल 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 घुमा घुमा रहे घुमा हैं। ये ये देखिए सेंधा नमक है ना, ये उबल आ रहा नहीं। है। हाँ ये देखिए, अभी कटा नहीं है नींबू, सिर्फ हमने अच्छा उसके ऊपर के छिलके को ऐसे गोल ऐसे करके, गोल गोल करके काट दिया, ठीक है, अच्छा क्लियर हाँ हो गया। जी और अब देखिए, इसको गोल करके ऐसे घुमा दी, है ना, थोड़ा रस गिरेगा, ऐसे 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 अच्छा करके घुमा दी। अब अलग हुआ, ओके, ये अच्छा नींबू काटने का तरीका। अब उसके बाद पहले हमने नमक लिया, अब 4 नींबू ऐसे काटेंगे पहले, है ना। एक नींबू का हम बना रहे, एक नींबू के लिए हमने करीब, ये नमक है 1 चम्मच, इसको हम बराबर करते हैं, है ना, ये बराबर करते हैं, ये जो टी स्पून है ना, टी स्पून के बराबर, ठीक है, ओके, मतलब ऊपर ऐसे होता है ना, उससे नहीं, बराबर करके इतना नमक ले लिया। अब इसमें नींबू, ये जो नींबू एक्सट्रैक्टर है, नमक का डिब्बा हम कल लाए थे, नहीं आया है, जो कोई बात, वो मिस कर गया, ठीक है। अभी इसमें रस जो होता है ना नींबू में, और नींबू नहीं है? हाँ ये तुम सूखा नींबू सब दियो, इसमें रस ही नहीं। गाड़ी लो, नींबू लेके आ जाओ, फसल के ही से, कल पैसे दिए थे, नींबू लाए थे। हाँ ये देखिए दादा, अब नींबू का रस जो है वो कम है, समझ रहे हैं विनय जी, इसीलिए हाँ रख दे। सारे नींबू आधे,
ये ऐसे करके दूसरा नींबू भी हम ऐसे काट रहे हैं, नमक अभी मैं एक नींबू के हिसाब से, अभी देखिए नमक में डूबा है, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, ये थोड़ा बराबर है, अगर आपका नमक में नींबू डूब जाता है तो ठीक है। देखिए मैंने दूसरा चम्मच भी लिया, दो चम्मच, और ये रहा नमक का करीब करीब तीसरा, तीन चम्मच, अब तीन चम्मच नमक लिए हैं, थोड़ा सा ऊपर था चम्मच ऐसे था ऊपर, इसका मतलब समझ लीजिए करीब करीब चार चम्मच नमक है, देखिए दिख रहा कितना नमक है। अब इसमें हम चार नींबू डालेंगे, आमतौर पर रस के हिसाब से है ना, इसको बीज नहीं जाएगा, इसीलिए एक्सट्रैक्टर जो रस निकालने वाला है उसी को दबा रहे हैं, ठीक है। और तो आप भी निकालते रहिए, कर रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ करते रहिए आप। देखिए अभी जो है ना ये ना
हाँ जी हाँ जी सारा नमक तो सब भूल गया आवाज आ रही है। हाँ अब आवाज आ रही है। अरे वो बीच में फोन आ गया था ना वो आवाज चला गया। देखिए दिख रहा है ये देखिए ये जो है ना पूरा चार नींबू है और चार चम्मच अब ये देखिए ऐसे लिक्विड हो गया दिख रहा। हाँ पूरा लिक्विड हो गया। अब इसको मैं इसमें अभी एक एक करके मिक्स करूंगा क्योंकि अभी जैसे नींबू का ये आ जाता है देखिए अभी मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ थोड़ा ताकि अच्छे से मिक्स हो और ये एक कर दिया। अभी एक ग्लास दो ग्लास तीन ये गुनगुना पानी है ठीक है ना जी चार पांच छ सात आठ गिलास ठीक है। अब इस आठ गिलास के बाद इसे टेस्ट करके देखना तो ये बराबर आपको अच्छा समझ गए। तो चार अब मोटा मोटी क्या फॉर्मूला हुआ चार नींबू चार चम्मच नमक और दो गुना पानी आठ गिलास पानी ठीक है जी। यानी अगर एक नींबू एक चम्मच नमक और दो गिलास पानी ओके जी 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 ये फॉर्मूला हो ये फॉर्मूला हो गया। अब हम इसको पीने का तरीका है कैसे करके ऐसे बैठ जाएंगे आगासन ठीक है और ऐसे बैठते और अब इसमें एक ग्लास निकाला और देखिए पीने का तरीका ऐसे कागजन बैठ के पूरा मुंह का सलाइवा अंदर चला गया जी। और कुल्ला करते हुए अंदर पीना ऐसे आप ऐसे बैठिए पानी रेडी हुआ आपका। हाँ मैं बस पानी तैयारी कर रहा था। अच्छा कर रहे हैं मैं पी के देख मैं पी रहा हूँ Thank you.
ओके okay. एक ग्लास पी लिया तो फास्टिंग ब्रेक हुआ हमारा। अभी एक कपड़ा लाना जल्दी से, एक मिनट पोंछने के लिए कपड़ा लाइए, पानी गिर गया। फिर एक कपड़ा लाइए पोंछने के लिए, हम बहुत सारे कपड़े लाए उसमें से एक कपड़ा। वो अच्छा वाला नहीं है, बहुत इसको कुकिंग के लिए रहना, दूसरा लाओ गन्ना और भी चार पाँच। ऐसे पीना है समझे भी नहीं जी, ऐसे करके ब्रश के कागज में हर पीना है तो सिप करके, है ना, सिप करके एक घूट पीजिए, फिर ये पीजिए। बहुत सारा आइटम रखना पड़ता है, कटोरी, नींबू निचोड़ने वाला, चम्मच, चाकू, नींबू, नमक, तो इतना सब चीज सुबह में भूल जाते हैं, फिर उठ उठ के लाओ। जी सर, जो जो हो गया आप सिप सिप करके पी रहे हैं। देखिए ये तीसरा ग्लास है, एक बार में एक करीब 2 से 3 ग्लास पी सकते हैं। फिर आपको एक्सरसाइज करना होगा, शंकर सालन के 5 एक्सरसाइज। एक घूट लिया, मुंह में कुल्ला की तरह घुमाया, फिर अंदर लिया, कुल्ले की तरह घुमाया, फिर अंदर लिया। ओके ठीक है ना, मुंह में लेना है, कुल्ले की तरह घुमाना है जैसे कुल्ला करते हैं चारों तरफ, फिर अंदर लेना है ऐसे करके, घुट घुट करके पीना। समझ गए, 3 ग्लास में पेट पेट भर जाता है। उसके बाद आपको ये 3 ग्लास में पानी कहाँ पर है, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूओडेनम में ही है, स्टमक और ड्यूओडेनम के बीच में है, जहाँ लार्ज सॉरी पैंक्रियास और लीवर जहाँ मिलता है वहीं पर अभी पानी है, ठीक है, ड्यूओडेनम। और उसके इसीलिए वो पेट में जाता है तो भारी भारी लगता है। अभी इसको नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन से पार करा के लार्ज इंटेस्टाइन में लाना पानी। वीर वीर जल्दी इधर आइए, ठीक है, इसके बाद 5 एक्सरसाइज करेंगे, वो बताते हैं।
पानी पी लिए, कितना गिलास पिए? हाँ 3 गिलास पिया अभी मैंने। 3 गिलास हो गया ना? हाँ जी। एक मिनट, हाँ मैं आ रहा हूँ। गाड़ी ब्रेक करके अभी से निकाल पीछे रख दी। ये गर्म पानी है, इसको थर्मस में रख देते हैं ताकि और आपको जरूरत पड़े 2 लीटर के बाद। करीब करीब 8 गिलास हमने अलग किया हुआ है ना, तो 2 लीटर के बाद भी आपको जरूरत पड़े तो आपको पानी गर्म आपके पास रहेगा, नहीं तो फिर गर्म पानी लाना पड़ेगा। चलिए अभी आप खड़े हो जाइए। सबसे पहला ताड़ासन करके, मैं भी कैमरा एडजस्ट करता हूँ। ओके जी, ये सबसे पहले ताड़ासन। ताड़ासन में भी आपको जो ऐसे ताड़ासन करते हैं ना सांस भर के और नीचे, ये इसमें फास्ट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, इसके बाद त्रैक ताड़ासन। त्रैक ताड़ासन हम लोग है ना सांस लेके एक्सहेल करके नीचे जाते हैं, फिर इनहेल ऊपर, फिर एक्सहेल, फिर इनहेल। उसमें आपको करना है एक्सहेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें होल्ड नहीं करते, ठीक है? ओके, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ ताकि वो जो बार बार इमेज चेंज हो रहा है। ओके चलिए अभी त्रिक ताड़ासन हो गया। अब है खटी चक्रासन। हाथ को आगे लाइए, पैर को, दोनों पैरों को कंधे के बराबर रखिए। ओके, पंजा जो है आपका कंधे के बराबर है और इसको घुमाना है 1, एक्सहेल करके, और आपका दूसरा हाथ नाभिक के बराबर 2। ओके 3, 4, जैसे हम घूम के दिखा रहे हैं तो देखिए है ना ऐसे करके, तो पीछे की तरफ हम देखें, ठीक है? 5, 6, मैं इधर कर दूं, 7, 8, 9, 10, ठीक है? उसके बाद कागासन। कागासन बैठ करके थोड़ा कैमरा नीचे करेगा करके कर। ऐसे कागासन, ये जो ऐसे करके और ये रहा आपका, ऐसे करके ऐसे बैलेंस करके ऐसे बैठिए और एक पैर को एक्सहेल 1 डाउन, इनहेल, तो एक्सहेल नहीं सॉरी, ये इसमें ब्रीदिंग पर ध्यान नहीं, ब्रीदिंग अपना नॉर्मल रहेगा। एक
और ये एक पैर को घुटना को नीचे लगाया, ऊपर वाले घुटना को ऐसे प्रेस किया और जैसे अर्ध मत्स्येन्द्रासन करते हुए से उधर घूम, फिर इधर से ऐसे सीधा करके, फिर दूसरा पैर ऐसे हो गया, दूसरा पैर को इधर लगाया और इधर ऐसे करके ट्विस्ट कर रहे। देखिए ट्विस्ट आपको पेट में फील होना चाहिए, ठीक। ये हो गया दो, ये आवाज चली गई, क्या आवाज आ रही? आपको आवाज आ रही? आवाज आ रही? आधी आ रही आचार्य आवाज। हाँ, बीच में कॉल आ जाता है ना तो कट जाता है, ठीक है। म्यूट कर लीजिए ताकि वो साउंड चेंज नहीं। हाँ ओके, देखिए अब ये 1, 2, 3, 4 सब पांच पांच राउंड है, यानी दो दो का सेट, एक एक दो, एक में दो है, 5, 6, 7 इसको ट्विस्ट करना है और पीछे देखना, 8, 9, 10 ये हो गया। अभी मान लीजिए कुछ लोग ऐसे घुटने को ऐसे नहीं मोड़ पाते, तो उन क्या करेंगे, वो लोग ऐसे करेंगे, थोड़ा एक आराम से बैठ जाएंगे, है ना, और ऐसे करके, और ये एक घुटने को भी ऐसे भी घुमा, नहीं तो ये इससे भी आसान है कि ऐसे करके वक्रासन कर ले, यानी एक पैर को दोनों को सीधा कर ले, पीछे हाथ रख ले और एक पैर को मोड़ ले, और राइट पैर को हमने मोड़ लिया है, दोनों हाथ पीछे है, लेफ्ट हैंड से ऐसे करके क्रॉस कर ले, ऐसे ऐसे क्रॉस कर ले और पीछे में ट्विस्ट कर ले। जिनको घुटने की तकलीफ होती है वो, वैसे तो वक्रासन पूरा ऐसे सीधा होता है, लेकिन ऐसे करना, फिर चेंज, फिर इधर ऐसे इसको क्रॉस कर लिया, ऐसे हाथ से ऐसे क्रॉस किया, चेंज, ऐसे क्रॉस किया, चेंज, क्रॉस किया, चेंज, ठीक है। इसके बाद लास्ट आसन है त्रयक भुजंग आसन, भुजंग आसन में क्रॉस, ओके, त्रयक भुजंग आसन ऐसे करके ऐसे बैठे और इसको हाथ को दोनों को बराबर रखे छाती पे और सांस भर के उठ के दूसरी तरफ देखे, है ना, फिर नीचे, सांस पर ध्यान नहीं भी देंगे तब भी ठीक, ऐसे ओके। तो ये अपोजिट पैर को जो है 2 फीट अलग कर लिया पीछे वाला और ऐसे करके ऐसे देखो, ठीक है ना। ये हो गया ईवी 10 नॉन, 6, 7, 8, 9, 10 ओके, ये 10 हो गया। अब इसके बाद आप दूसरे दूसरे राउंड के पानी पीने के लिए तैयार है, ओके। इस तरह से आपका फर्स्ट राउंड हुआ, अब आप ऐसे फिर से बैठिए और फिर से अब पानी आपका 2 ग्लास और पीने, इस तरह से बैठे और पेट आपको जैसे लगेगा कि आप पेट हल्का थोड़ा सा नीचे टाइट और हल्का दोनों लगेगा,
और ऐसे करके अभी आप फिर से तीसरा ग्लास चौथा ग्लास पी रहे हैं, है ना। शुरू में दो ग्लास में भी किसी किसी को भारी हो जाता है, तो ये तीसरा ग्लास या हो सकता है या चौथा ग्लास इस तरह। ऐसे करके इतना हम लोग लघु संघ प्रक्षालन में नहीं करते, इतना एक्सरसाइज की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, सुन पा रहे हैं, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ पानी पीते हैं और काम करते रहते हैं, झाड़ू लगाना हो, ग्रीन ठीक करना हो, जो भी काम है ना घर का, यहाँ तक कि कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, लिखने पढ़ने व्हाट्सएप कर रहे हैं, जो भी है वो करते रहते हैं दो घंटे तक। लेकिन अगर एक्सरसाइज के साथ करेंगे तो एक घंटे में प्रेशर आ सकता है, तो कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जरूरी नहीं ये पांच ही एक्सरसाइज करें, कोई भी एक्सरसाइज जिससे एब्डोमेन का मूवमेंट हो, उड्डयन अग्निसार भी कर सकते हैं। ऐसे करके अब आपका ये पांचवा ग्लास, ठीक है। ये दो ग्लास भी फटाफट खूब नहीं पीना है, नहीं तो ये कुंजल हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। ये दो ग्लास भी पीने में टाइम देना है, जब लगे कि अगला पी सकते तो फिर और भी कोई सिटिंग एक्सरसाइज कर सकता है। जैसे बैठ गया, अभी एक ही ग्लास पिया हमने और ऐसे बैठ गए, अब बैठ के हम अब योग मुद्रा कर ले, पालथी मार के आराम से अर्ध सुख अर्ध पद्मासन बैठ गए, और हम पेट को ही मूव करना है, एक्सहेल इनहेल अप, पीछे हाथ, ठीक है, फिर उसके बाद एक्सहेल राइट, लीवर का एक्सरसाइज, इनहेल अप, फिर एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल अप, है ना। वैसे तो 8 सेकंड रुकते हैं यहाँ, क्योंकि हम पानी पिए हुए हैं, तो 2-4 सेकंड में भी हम उठ जाते हैं, एक्सहेल इनहेल अप स्ट्रेच इनहेल, ठीक है, ये हो गया। फिर थोड़ा सा आपको पेट को देखना है, पेट को ऑब्जर्व कीजिए और अग्नि प्राणायाम कीजिए। अग्नि प्राणायाम में क्या होता है, पेट पर कॉन्सेंट्रेट करके इनहेल एक्सहेल करना होता है, इसको अग्नि प्राणायाम करते हैं। फिर सांस लेना और धीरे धीरे छोड़ना, सिर्फ देखना है पेट पर कॉन्सेंट्रेट, मणिपुर चक्र पे, नाभि पे आपका मन एकाग्र कीजिए, आंख बंद कीजिए और देखिए आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पानी है, आप महसूस करने की कोशिश कीजिए। ये सूक्ष्म योग का पाठ है, इनहेल एंड एक्सहेल एंड ट्राई टू विजुलाइज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियास, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन 22 फीट है। जैसे आप विजुअलाइजेशन करेंगे आपका लगेगा कि अब आपकी पानी का जो प्रेशर था पेट में वो आराम हो गया। विजुअलाइजेशन से कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है, विजुअलाइजेशन मेडिटेशन, जहां भी पेन हो रहा है उस जगह विजुअलाइज करके एक डीप लॉन्ग ब्रीदिंग कीजिए, और मंत्र अगर आपका जो भी है, चाहे राम हो, कृष्ण हो, हरि हो, हरिओम हो, वाहेगुरु हो, अल्लाह हो, है ना, यीशु हो, कोई भी मंत्र, शिव हो, कृष्ण हो, हंसो हो, ठीक है, या बाबा मंत्र, वो मंत्र को सांस के साथ जप, एक ही मंत्र, एक शब्द या दो शब्द का, ताकि सांस लेने और छोड़ने मंत्र जाप हो।
जिन्हें मंत्र पता नहीं है वो ब्रह्म का जाप करें, ब्रह्म से लें ब्रह्म से छोड़ें। और इसमें मुद्रा पर भी ध्यान दीजिए कि अगर हम अपान मुद्रा में बैठ जाएं तो अच्छा बात, अपान मुद्रा, ओके, अपान मुद्रा लगा ली। ओके, अपान मुद्रा, यह अपान मुद्रा। बीच की दो उंगली है ना, ओके ओके, गुड गुड। और हाँ, यहाँ पर हथेली ऊपर की तरफ है, एक लंबा गहरा सांस अंदर, लंबा गहरा सांस बाहर। अपान मुद्रा का काम है डिटॉक्स, क्लींजिंग है ना, एक्सक्रीशन के लिए अपान मुद्रा। तो जितने तरह के पेट साफ करने की, गैस एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, मासिक की तकलीफ, सब अपान मुद्रा से रेगुलेट। तो पानी आपका, जैसे अभी आपका करीब करीब 4-5 गिलास पी चुके हैं, अब आप अगला गिलास, अब आप चाहे तो सुखासन में बैठ के, जैसे मैं बैठा हूँ, आप ऐसे भी पानी पी, है ना। अगला गिलास पीजिए, अब बहुत आराम से कुल्ला करते हुए, गोल गोल घुमाते हुए, पानी अभी नॉर्मल हो चुका है, गुनगुना था तो टेस्ट जो होता है अच्छा रहता है गुनगुना। इसीलिए केतली जैसा कोई गर्म, इस तरह के ऐसे करके जिस जिसमें पानी गर्म रहे, ऐसे ऐसे बर्तन में आप न्यू पानी बनाए, कोई जग में जिसमें कि थोड़ी देर तक गर्म रहे, पतीले में तो ठंडा हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, अभी करीब करीब देखिए, अभी इस राउंड में हम 2 गिलास पी चुके, आपने अग्नि प्राणायाम किया, नाभि पे मन को एकाग्र करके अग्नि प्राणायाम ध्यान है ना, तो आपका ये जो है साइको स्पिरिचुअल योग है, मानसिक आध्यात्मिक, इससे हर तरह के जो चक्रा बैलेंसिंग है, जितने भी चक्रास हैं, अगर आप उसको देख करके योग मुद्रा ध्यान करते हुए करते हैं तो जितने भी चक्रास हैं सारे चक्रा जी दोनों मैट को पोंछना है, धीरे से उधर खींच लो है ना, और बाहर वाला मैट को भी झाड़ के लिए, ठीक है, धीरे से खींच लो और दोनों को, और ये करके मैं साफ कर दी, ठीक है, गीला कपड़ा, कल हम 2 कपड़े लाए ना, इस तरह का ऐसे, इसमें जो पानी है नींबू वाला में रहने देना, दूसरा वाला पानी फेंक, ठीक है, नींबू वाला ही रहना, हाँ वो भी फेंक के फिर ले आना प्लेट, और चाहते हैं सब। तो ये हो गया, अब अगला जो पानी पिएंगे, फिर अग्नि, 1 गिलास पीने के बाद अग्नि प्राणायाम ध्यान जरूर की, ओके, ये देखिए आल हर हर चक्र के प्राणायाम ध्यान क्या क्या है ये सब। तो ध्यान में ही आपके करीब करीब 12 से 16 प्राणायाम जो आनंद मार्ग की साधना में सिखाते हैं, और स्वामी रामदेव और ये जो जितने जो बड़े योग गुरु हैं जो वो प्राणायाम कराते हैं ना, कपाल भाति, भस्त्रिका, फिर उड्डयन, सर ये सब वाहिक प्राणायाम, मानसाध्यात्मिक प्राणायाम, मन और आत्मा का जो प्राणायाम है वो सब ध्यान और मंत्र के साथ होता है, ठीक है ना, और चक्र पर एकाग्र कर, और उसमें भी आपको अनुलोम विलोम, जलंधर बंद, ये सब लगता है उसमें भी, लेकिन वो चक्र और मंत्र के साथ होता है, और वो उसमें भाव आपकी होनी चाहिए, भाव होगा तब वो फायदा। अभी जैसे मान लीजिए आपको पाइल से जिंदो, ओके, तो उसके लिए आपको
पृथ्वी मुद्रा का प्राणायाम। फिर उसके बाद आपको स्वाधिष्ठान चक्र के लिए है ना, वो उसका प्राणायाम अलग है, जो वज्रौली क्रिया के साथ जो होता है उसमें। ओके, तो ऐसे करके अलग अलग है इसको। अभी हम लोग सिर्फ अग्नि पर ध्यान देंगे। आप अनुमुद्रा लगाए रखिए सांस, तो दिस इज फिजिको साइको स्पिरिचुअल, और सांस ले रहे हैं और अग्नि अग्नि तत्व पे, सॉरी मणिपुर चक्र पे मन एकाग्र। उसको मत ले जाओ, दूसरा 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 कपड़े उसको ही रहने। पूरा सांस ले रहे हैं, अब ब्रह्म का या जो भी आपका मंत्र है जाप कर रहे हैं सांस लेते हुए। तो आप अपने नाभि को देख के पास, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पैंक्रियास है, सॉरी लीवर है इधर राइट में, इधर लेफ्ट में पैंक्रियास है, फिर बीच में आपकी छोटी आंत है, बीच में स्प्लीन है, माता और बहनों में गर्भाशय है दोनों तरफ। ओके, पीछे में किडनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन से पीछे चिपका हुआ, ये सब को एकाग्र। चलिए, अब आपका ये हो गया अग्नि प्राणायाम ध्यान। अब आप छठा ग्लास पी सकते हैं। ये संघ प्रक्षालन की विशेष परिस्थिति में है, ये बहुत कम लोग इसको प्राणायाम ध्यान के साथ करते हैं, ठीक है। तो उसको ऐड करने से मणिपुर चक्र की सिद्धि होती रहती है ना। खुला रखो, खुला रखो, खोल लीजिए इसको, सूखने दो, फिर एक बार और राइट। अब आप चाहो तो कागासन में दोबारा बैठ सकते हो, बैठ के ऐसे की ऐसे थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव। एक बार इसको उखाड़ कपड़ा है ना, इससे दोबारा मार देना इस कपड़े। बिल्कुल आराम से देखिए, अब आपको हल्का प्रेशर जैसा महसूस होगा। अगर आपका पेट ठीक है, लीवर ठीक है, अगर आप रेगुलर आपका मोशन होता है, तो जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है उनको दिक्कत तो हो सकती है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम लोग थोड़ी उपविष्ट उड्डयन अग्निसार करेंगे, उसके बाद बाकी जो पांच एक्सरसाइज वो भी करें। खड़े हो गए हम लोग, उड्डयन लगा।
ये देखिए ऐसे करके उड़ेन अग्नि करके ये तो दिखाने के लिए मुझे थोड़ा सा सीधा रहना पड़ेगा। वैसे मुद्रा ये है, घुटने को मोड़ के है ना, और इस तरह से ऐसे थोड़ा घुटना मोड़ के हाथ को आगे रख के सांस बाहर करके पेट को अंदर, तो पेट अंदर जाएगा नहीं कि पानी भरा हुआ। मैं खड़े होके दिखा रहा हूं लेकिन ये झुक के कर। फिर छोड़े, फिर करिए, ठीक है, पेट को अंदर करिए 10 सेकंड रोके, फिर छोड़ दीजिए। पेट को अंदर कीजिए 10 सेकंड रोके, फिर छोड़ दीजिए। ओके ओके, उसी प्रकार आप अग्निसार भी कर सकते हैं आगे पीछे इस तरह। देखिए मैं खड़े होके दिखा रहा हूँ लेकिन करना ऐसे है ना, दिखाने के लिए मैं अभी खड़ा हो रहा हूँ। क्या करना है अग्निसार में, सांस बाहर पेट अंदर बाहर, सांस बाहर करके रोक लिए, ठीक है, आराम से ये करीब 2-3 राउंड कर दें। ओके एक बार और, ठीक है ना, ये हो गया। अब बाकी आसन जो हम लोग कर रहे थे वो संघ प्रक्षालन के आसन वो कर लेंगे। चलिए, और उसके पहले जो कौशिकी है ना वो भी कर लेना, ठीक है। मेरा पैर दिख रहा है ना, हाथ उठाइए, दिख रहा है पैर, हाँ ओके। चलिए अभी कौशिकी करते हैं, कौशिकी में पैर को करीब कंधे के बराबर फैला लीजिए, हाथ को उठाइए, पैर को कंधे के बराबर फैलाइए, फोन आ गया था। ओके फिर से वही ड्रॉर में, फिर उसका निकालना गाड़ी वाला, बाकी रहने गेट को खोल लेना, उसी उसी में गेट का चाबी। हाँ ऐसे वन, देखिए पैर को हमने कंधे के बराबर फैला लिया, ओके एक पैर को उठा के और दूसरे पैर की एड़ी के पर रखा, फिर सीधा वापस दूसरे पैर को उठाया पंजे को और एड़ी के बगल में रखा, 1 2 3 4, पंजे को मार रहे हैं हम एड़ी के बगल में, 5 1 2 3 4, ये 5-5 की मात्रा है, 5-5 की मात्रा में है ना, 3 बार में एक तरफ झुकना, 2 में सीधा होना, 1 राइट 2 अगेन राइट
थ्री मोर राइट, फोर में सीधा, फाइव में सीधा, फिर लेफ्ट वन, टू में अगेन लेफ्ट, थ्री में मोर लेफ्ट, फोर में सीधा, फाइव में सीधा, वन में फ्रंट, टू में डाउन, थ्री में अप, वन में बैक, टू में बैक, थ्री में अप, फोर फाइव में चेंज, वन राइट, टू राइट, थ्री राइट, फोर अप, फाइव अप, वन लेफ्ट, टू लेफ्ट, थ्री लेफ्ट, फोर अप, फाइव अप, वन डाउन, टू डाउन, थ्री अप, फोर अप, वन बैक, टू बैक, थ्री अप, फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री, वन टू थ्री चेंज फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, लेफ्ट टू थ्री फोर फाइव, फ्रंट डाउन अप, बैक डाउन अप, चेंज फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, लेफ्ट टू थ्री फोर फाइव, फ्रंट डाउन अप, बैक डाउन अप, चेंज फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, लेफ्ट टू थ्री फोर फाइव, फ्रंट डाउन अप, बैक डाउन अप, चेंज फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, लेफ्ट टू थ्री फोर फाइव, फ्रंट डाउन अप, बैक डाउन अप, चेंज फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, हाथ कंधे से मिला हुआ है मेरा, देखिए सॉरी कान से मिला हुआ, वन डाउन अप, बैक डाउन अप, चेंज फाइव, इसमें मंत्र के साथ, वन बाबा नाम बाबा के पलम, बाबा नाम बाबा के पलम, बाबा नाम बाबा, बाबा नाम बाबा केवलम, बाबा नाम बाबा केवलम, बाबा नाम बाबा केवलम, बाबा नाम बाबा, बाबा नाम बाबा केवलम, बाबा नाम बाबा केवलम, बाबा नाम बाबा केवलम, बाबा नाम बाबा नाम बाबा केवलम, रिलैक्स। अब हम लोग ताड़ासन का जो पांच एक्सरसाइज, ताड़ासन, प्रयाग ताड़ासन, थर्टी चक्रासन है ना, भुजंगासन, ये वाला कर लेते हैं, सागासन, भुजंगासन, वक्रासन, ये जो है उसके बाद फिर पानी पिएंगे। ऐसे करते हुए आपको जब तक प्रेशर नहीं आता तब तक आपको पानी पीना और ये एक्सरसाइज करना ये जारी रहेगा। अब ताड़ासन, सांस भरते हुए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, प्रयाग ताड़ासन, पैर फैला के, वन एक्सहेल, टू इनहेल, अप, ये सांस पर ध्यान नहीं भी दे तब भी चलेगा, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, प्रयाग ताड़ासन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ओके। इसके बाद कागासन, कागासन में थोड़ा कैमरा नीचे करते हैं, कागासन और वक्रासन और फिर भुजंग, ओके, वन टू थ्री फोर, बैलेंस बनाना, फाइव
इसको पुल करना, इसको इधर से ट्विस्ट करना और पीछे देख, ठीक, 7, 8, 9, 10, ओके, वक्रासन। जो लोग कागासन नहीं कर पाते हैं उनके लिए तो वक्रासन अच्छा है, और नहीं तो फिर उसका कोई भी, ये ऐसे ऐसे करा, इस तरह ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हो गया। इसके बाद कुछ लोग चाहें तो और मत्स्येन्द्रासन भी कर, आराम से ऐसे बैठ के 1, 2 फिर चेंज 3, 4, 5, 6 चेंज 7, 8, 9, 10 तो अर्ध मत्स्येन्द्रासन भी कर सकते हैं, है ना। पर्पस क्या है आपका, जो ये है एब्डोमेन है वो पूरी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि शंख नाम इसका शंख प्रक्षालन क्यों है, जो 22 फीट लंबी जो स्मॉल इंटेस्टाइन वो पूरा पानी आराम से हिलोड़ मारते हुए एकदम अंदर घूमे और लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो जाके पूरी क्लिंजिंग हो, और फिर आप पानी अगला ग्लास पियेंगे तो वो रिसीव करेगा, नहीं तो वॉमिट टेंडेंसी, और नहीं तो रिसीव जब करेगा तो आपको एनस में हल्का आपको वाइब्रेशन फील होगा रेक्टम में और एनस। ये सारे एक्सरसाइज करते हुए अगर आप अपने गुदा स्थान पे एक 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 वाइब्रेशन फील कर रहे हैं, समझ लीजिए पानी आपका रेक्टम पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो लास्ट आसन करके फिर यू कैन गो फॉर ए मोशन, ओके। तो चलिए अंतिम आसन भुजंगासन, त्रयक भुजंगासन। क्या आपको फैला दिए पैर को और सांस भरते हुए 1, 2 एक्सहेल डाउन, इनहेल अप 1, 2 इनहेल अप 1, 2 एक्सहेल डाउन। ब्रीदिंग नहीं भी ध्यान दिए तब भी चलेगा, ओके। ये हो गया आपका 3 राउंड 2 राउंड 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ओके, रिलैक्स। अब इसके बाद है ना, आप चाहो तो थोड़ा सा शवासन भी करते, शवासन में भी अग्नि प्राणायाम, बैठ करके जो अग्नि किए थे अब हम लोग लेट के अग्नि प्राणायाम था, ओके। तो अग्नि में प्रवेश करने से पहले आप पूर्ण आपका जो है क्या कहते हैं उसको, पूर्ण योग निद्रा ध्यान करें, ऐसा सोचिए खुले आसमान के नीचे अकेले लेटे हैं, हरे भरे घास, रंग बिरंगे फूल, पहाड़ों की वादियां, उगते हुए सूरज की लालिमा के पंच महाभूत वातावरण में आप अकेले लेटे हैं, पैर की उंगलियों से एड़ियों तक आप रिलैक्स कर रहे हैं, एड़ियों से घुटनों तक रिलैक्स कर रहे हैं। घुटनों से जंघाओं तक रिलैक्स कर, जंघाओं से कमर को रिलैक्स कर रहे हैं, जेनिटल एरिया यूरिनरी पॉइंट पर रिलैक्स कर रहे हैं, लोअर बैक को रिलैक्स कर, एब्डोमेन को रिलैक्स कर रहे हैं, बैक को रिलैक्स कर रहे हैं, छोटी हाथ बड़ी हाथ सबको रिलैक्स कर रहे हैं, एक लंबा सांस ले रहे हैं धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, हर सांस में ब्रह्म का भाव, नाभि से ऊपर छाती, हृदय और फेफड़ों को रिलैक्स की,
गर्दन कंधे बाजू क्यों निकला यहाँ तो की उंगलियों को रिलैक्स वापस गर्दन चेहरे को विश्राम दीजिए। मस्तिष्क तक विश्राम, पैर से सर तक सांस भरते हुए, सर से पैर तक सांस छोड़ते हुए। अब आप अग्नि प्राणायाम में आ जाइए, नाभि पर एकाग्र कीजिए। नाभि पर एकाग्र करते हुए नाभि से लेकर मूलाधार चक्र तक, जो क्योंकि आपको अब स्मॉल इंटेस्टाइन से आपको लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए रेक्टम और एनस तक आना है, इसमें आपके तीन चक्र हैं, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र यूरिनरी पॉइंट में और मूलाधार चक्र एनस पॉइंट। तो सांस लेते हुए मणिपुर चक्र से गुदा स्थान आपका मूलाधार चक्र तक एकाग्र कीजिए और छोड़ते हुए मूलाधार से मणिपुर तक। और ब्रह्म का जाप, और इसमें जितने अंग हैं, लीवर, किडनी, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लेडीज में यूटेरस, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम, एनस, सबको देखते जाइए और सब में मंत्र का भाव दीजिए, ब्रह्म का भाव। धीरे धीरे आंखें खोलिए, मुट्ठी बंद कीजिए, खोलिए, एक एक पैर को मोड़िए, बायां करवट लेकर उठकर लेफ्ट हैंड से बैठिए, लेफ्ट हैंड का सपोर्ट देके उठकर बैठिए। अब आपको ऑलमोस्ट प्रेशर आया हो, ओके, अब आपको जो रिमेनिंग 2 ग्लास है अब उसको आप पी सकते हैं, यानी आपके 6 ग्लास हो चुके थे, अब ये 7वां। ओके, आराम से इस तरह से गुड गुड करके प्रेशर नहीं आया हो तो आप उसको उस तरह से पानी पीना जारी रखें। कॉल ब्लड स्टोन भी निकल जाएगा, मतलब गल जाएगा, गॉल ब्लड स्टोन, किडनी फेलियर, आपको लीवर, फैटी लीवर, सारे चीज संघ प्रक्षालन और एकादशी व्रत के बाद दूसरे दिन संघ प्रक्षालन। जो लोग एकादशी मिस कर जाते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, उसी प्रकार अमावस्या के पहले का एकादशी से अमावस्या तक, और अमावस्या से एक दिन बाद तक, और एकादशी से एक दिन पहले तक, ये 7 दिन में कभी भी आप कर लीजिए, फायदा उतना ही होगा। साइंटिफिकली समझिए कि सपोज ये आपका, ऐसे करके समझिए कि ये आपका
ये आपका सूरज है, मान लीजिए बड़ा वाला देख रहे हैं हम, लाल 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 सूरज, ओके, और ये आपका पृथ्वी, ठीक है, ओके, ये पृथ्वी, ये सूरज, और ये मान लीजिए ये ग्लास, ये जो है चांद। अब देखिए चांद घूम रहा है, घूमते हुए चांद सूरज के और पृथ्वी के बीच में आ गया, ये हो गया पूर्णिमा। तो सूरज चांद और पृथ्वी के एक तिथाई में आने से ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है ना, इसकी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, पृथ्वी की अपनी है, सूरज की तो है ही, जो पूरे सोलर सिस्टम 9 ग्रहों को घुमा रहा है। जीवन किसके कारण है? पृथ्वी, सूरज के कारण। तो सूरज की रोशनी से अभी चांद की रोशनी डबल होकर पूर्णिमा आपको दे रहा। तो अब आइए, 4 दिन पहले ये एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, यहाँ आ गया पूर्णिमा। तो 4 दिन पहले क्या, यानी पूर्णिमा 5 दिन पहले, यानी 10वीं से लेकर पूर्णिमा के एक दिन बाद प्रथमा तक, ये 7 डेज तक आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के एक एक कण कण में हर जीव से लेकर के हर वस्तु, हवा, धूप, पानी, सबको प्रभावित करता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए अगर आप एकादशी के एक दिन पहले से और पूर्णिमा के एक दिन बाद तक अल्कलाइन फूड थेरेपी करेंगे, तो आपको एसिडिटी से होने वाली बीमारियां, चाहे वो डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, आर्थराइटिस हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, किडनी फेलियर हो, ये सारी बीमारियां उसी के कारण है, एसिडिटी के कारण। ये सब हमारे खाना नहीं ठीक से पचना, एसिड हो जाने से आपको ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड वेसल्स में आपका टॉक्सिन जमा हो जाता है, आपको पेट में गैस होता है ना। तो इसीलिए आपको एकादशी 4 दिन 5 दिन पहले से लेकर के पूर्णिमा के एक दिन बाद तक, ये 7 डेज में कभी भी आप डिटॉक्स कीजिए, आप एक दिन उपवास कीजिए, उपवास में सिर्फ फलाहार कीजिए, या नींबू पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, अनाज मत, और अपने प्रकृति के अनुसार, वात है कि पित्त है कि कफ है, उसके अनुसार कौन सा फल खाना ये समझ, और उसके बाद दूसरे दिन जो ये लघु संकटचालन, इसको करके और पेट साफ कीजिए, ठीक है। तो भगवान, और उसी प्रकार ये अमावस्या, ये घूमते 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 अब आइए अमावस्या आने वाला, ये हो गया 10वीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। अब अमावस्या में भी सूरज पृथ्वी और चांद एक दिशा में, यहाँ भी इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी पर आएगी, इसीलिए अमावस्या और पूर्णिमा दोनों में ज्वार भाटा होता है, टाइडल इफेक्ट होती है, और ये टाइड आपके पृथ्वी के जल जल जंगल हवा धूप पानी, यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और हर जीव के अंदर ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करे, राइट। इसीलिए आपको पूर्णिमा से लेकर एकादशी से एक दिन पहले से लेकर पूर्णिमा तक, और एकादशी से एक दिन पहले अमावस्या से के एकादशी से पूर्णिमा और अमावस्या के एक दिन बाद तक 7 डेज में, जिस दिन आपको छुट्टी हो उस दिन के एक दिन पहले आप उपवास कर लीजिए, और दूसरे दिन आपके पास 2 से 3 घंटे टाइम हो, आपको इस तरह से देखिए 2 घंटे आपको पानी पीने और पेट साफ करने, साइको स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने, मेडिटेशन करने के बाद आपको आपको ये प्रेशर आएगा। चलिए, तो आपको हो सकता है प्रेशर आ गया हो, आप अपना पेट साफ कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद दादा। चलिए, आप बंद कर लीजिए, हम भी बंद करते हैं, मुझे प्रेशर आ गया, और हम पेट साफ करेंगे। अब अंतिम सुन लीजिए, पेट साफ एक राउंड उसी तरह, फिर सादा पानी पीजिए एक राउंड के बाद, फिर दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, 3 राउंड के बाद केला खा लीजिए, है ना, और भी नहीं रुकता है तो दही और केला पेस्ट बना के खा लीजिए, उसके बाद भी चिंता नहीं रुकता है तो दही केला में इसबगोल मिला के, है ना, या दही में थोड़ा पानी मिला के इसबगोल मिला के पेस्ट बना के ले लीजिए, ठीक है। केला समझना है, प्रकृति अगर कफ की होगी तो केला नहीं खाना है ना, इसीलिए बात है कि कफ है कि पित्त है ये देख कर, तो लेकिन दही पे पानी घोल करके इसबगोल मिला के, जिनका नहीं रुक रहा उनका मोशन एकदम 8-10 मोशन, तो उनको
चार या पांच टीस्पून प्याज उनको ये ले लेना, ठीक है। और उसके बाद पेट साफ करने के बाद चार पांच के बाद पूरा फ्रूट खा के, फ्रूट खाने के बाद आपको दो तीन घंटे बाद आप मूंग दाल और चावल और लौकी पालक तोरी हरी सब्जी पूरी सब हरी सब्जी मिक्स करके और उसको पानी में पका करके खिचड़ी पतली खिचड़ी में देसी गाय की घी डाल के आप ले सकते थोड़ी दही को। धन्यवाद, धन्यवाद गुरु जी, बहुत रात का है। रात का खाना भी लिक्विड होगा, रात का खाना भी बॉइल्ड वेजिटेबल और जौ की रोटी या खिचड़ी। ओके, नमस्कार, थैंक यू, प्रणाम, धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपके कारण संघ प्रस्थान सफल हुआ, धन्यवाद आपके कारण गुरु जी, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। अरे भैया अगर इवेंट नहीं रहेगा तो गुरु क्या करेगा गुरु का कोई वैल्यू ही नहीं, अगर 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 विद्यार्थी नहीं है तो आचार्य का क्या महत्व है। ठीक है, धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद, मैं बस निकलता हूँ। हाँ प्लीज गो गो, सादा पानी एक गिलास और पी लीजिए, एक गिलास और सादा पानी थोड़ा सा, जी जी जी, जरूर जरूर, हाँ नमस्कार, नमस्कार, बंद कर दीजिए। क्लोज कर दीजिए आप। ये हमने नींबू पानी 8 गिलास पी लिया, अब मैं थोड़ा सा सादा पानी पिया। चलिए ये हमारा हो गया लघु संघ प्रचालन, ठीक है, नमस्कार, ओके, मिलते हैं।